सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, TGT हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडर रोड, छत्तीसगढ़ से। कई सब बार समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वो पूरे समाज को बदल कर रख देती है। कोई छोटी सी घटना होती है और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोग जिनको प्रतीक रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो समाज को एक नई दिशा देता है, ठीक है। समाज का कोई एक वर्ग जो है बहुत ही आगे निकल जाता है या नई ऊर्जा से भर जाता है, उत्पोष जाता है और समाज में जो तमाम रूढ़ियाँ होती हैं उनको तोड़ देता है, उनको आगे निकल जाता है और विकास की धारा में समाहित हो जाता है, विकास की धारा में दौड़ने लगता है। तो ऐसा ही एक पाठ है विकास की धारा को बताता हुआ, जो कक्षा 8 की वसंत में है, पाठ 13, जहाँ पहिया है, और इसको लिखा है पी साईनाथ। ये जो पाठ है इसकी जो विधा है वो है रिकॉर्ड पाठ। तो इसमें जो है इस पाठ में पहिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पहिया जो होता है वो विकास का प्रतीक होता है, पहिया गतिशील होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा शीर्षक चुना है इसको पिसाईनाथ जी ने। तो थोड़ा सा हम लोग रिपोर्टाज के बारे में जानते हैं। देखिए रिपोर्टाज शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द है, रिपोर्टाज जो शब्द है ये एक फ्रांसीसी शब्द है और रिपोर्ट शब्द जो होता है रिपोर्ट ये अंग्रेजी का शब्द है। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट तो आप आंखों से कोई भी घटना को आप देखते हैं उसका, ठीक है, यथा तथ्य आप वर्णन, जैसे देखा वैसा वर्णन करते हैं, ठीक है, वैसा रिपोर्ट हो। जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई घटना की जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो वो होती है रिपोर्ट। जैसे लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, क्या वो सारी घटनाएं बताते हैं, लेकिन रिपोर्टाज इससे अलग है। रिपोर्टाज लिखने वाला जो लेखक है, ठीक है, वो सच्ची घटनाओं का वर्णन करता है, उसमें कोई भी बात अपने से नहीं कहेगा, जो घटित हो रही घटनाओं को, ठीक है, सच्ची बातों को बताएगा और साथ में जो बातों बताना चाहता है वो बड़े ही कलात्मक ढंग से और बड़े ही साहित्यिक ढंग से उसको बताता है। मतलब जो रिपोर्टाज है उसमें साहित्य का पुट हो, साहित्यिकता का पुट होता है उसमें, और ये थोड़ा सा कथात्मक होता है, पढ़ने पर ऐसा कहानी चल रही है, रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा महसूस नहीं होता, ठीक। तो जब रिपोर्ट जो है वो साहित्य का रूप ले ले, रिपोर्ट अगर साहित्यिकता का पुट आ जाए उसमें तो वो रिपोर्टाज बन जाए, ठीक है। बहुत सारे लेखकों ने रिपोर्टाज लिखा है, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों ने रिपोर्टाज लिखा है, जैसे अग्रे जी ने भी लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक रिपोर्टाज है। अब थोड़ा सा हम लोग पी साईनाथ जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए जो पी साईनाथ है ये एक भारतीय पत्रकार है, ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार है। इनका जन्म 1957 को आंध्र प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम था पालाबंगी साईनाथ, पालाबंगी। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थी और इन्होंने अपनी पत्रकारिता में जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, जो ग्रामीण हालात हैं और गरीबी हो गई और जो किसान समस्या है उसको इन्होंने मुख्य स्थान दिया है। और इनको पी साईनाथ जी, पालाबंगी साईनाथ जी को रहमान मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो पी साईनाथ जी के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में एक जगह है, पुडुकोट्टई।
पुदुकोट्टई तमिलनाडु तमिलनाडु बोलने से ही पता चलता है कि ये जो है यहाँ तमिल बोलने वाले लोग सारे रहते हैं। ठीक है, तो पुदुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के बारे में इनका रिपोर्ट आज है, देखिए क्या लिखते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ये कह रहे तो साइकिल चलाना जो है एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। ठीक है, एक आंदोलन का रूप ले साइकिल चलाना, कैसे कुछ अजीब सी बात है ना। मतलब अगर हम कहें कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, तब तो साइकिल चलाना कैसे सामाजिक आंदोलन हो सकता है? कहीं पर धरना देना, किसी बात के खिलाफ खड़े होना, ऐसा हमें सामाजिक आंदोलन समझ में आता है। ठीक है, या जैसे लोग क्या कहते हैं भोजन वगैरह सब त्याग कर देते हैं, ठीक है, और अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, तो वो कुछ समझ में आता है कि ये कोई आंदोलन है, ये साइकिल चलाना कैसे एक आंदोलन है। ठीक है, देखते हैं। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, पुदुकोट्टई जिले की हजारों नौ साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। कह रहे हैं जो पुदुकोट्टई में रहने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए आम बात है, खासकर नौ साक्षर महिलाएं। एक शब्द आया देखिए इसमें, नौ साक्षर, नव साक्षर, नव का मतलब होता है नया और साक्षर का मतलब क्या होता है पढ़ा लिखा। साक्षर का मतलब ये भी होता है जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हूँ, ठीक है, वो अपना साइन कर लेता हूँ, चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ की जो नई पढ़ी लिखी की महिलाएं हैं, ठीक है, वो उनके लिए अभी आम बात हो गई है, अपने पिछड़ेपन पर लात। अब क्यों आम बात हो गई, देखिए बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही यहाँ पर, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके बड़े अजीबोगरीब होते हैं। अपने पिछड़ेपन को लात मारने, पिछड़ेपन का मतलब उनकी जो हालत है, ठीक है, जो गरीबी है, ठीक है, जो पिछड़ापन समाज के मुख्यधारा में जिस प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं, उस तरह से जिंदगी जीने मजबूर है, तो उस पिछड़ेपन को लात मारना कि अब हम उस चीज़ को त्याग देंगे, ठीक है, अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। अपना विरोध व्यक्त करने और फिर अपना विरोध भी बताना है, व्यक्त करने का मतलब होता है दर्शाना या बताना, उनका अपना विरोध भी व्यक्त करना है, बताना है, ठीक है, कि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं, हम इस तरह से अपना विरोध जाहिर करेंगे, ठीक है ना। और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए, और उन जंजीरों को देखिए जंजीर शब्द आया यहाँ पर, अगर आप पाठ के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो जंजीर शब्द क्या है यहाँ पर, ये वो तमाम पुरानी दकियन उसी पिछड़ी विचारधारा है, पिछड़ी ऐसी मानसिकता है जो महिलाओं को विकास करने से रोकती है, ये वो जंजीरें, वो सामाजिक तमाम रूढ़ियाँ जो औरत को घर की चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहती हैं, ठीक है, वो ये रूढ़ियाँ जो है जंजीरें हैं। तो उन जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं, और कभी कभी ये तरीके अजीब गरीब होते हैं कि मनुष्य जो होता है वो इन चीज़ों से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, ठीक है, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने का, ठीक है, पिछड़ेपन को लात मारने का और अपना विरोध जताने का कोई ना कोई एक तरीका निकालता है, और वो तरीका कभी कभी नायाब होता है, मतलब एक अजीब गरीब तरीका होता है, ठीक है। अब वो कैसे अजीब गरीब तरीके होते हैं देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुदुकोट्टई। भारत के बहुत सारे जिले हैं, उनमें जो है तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है पुदुकोट्टई, ठीक है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी आज़ादी को कैसे व्यक्त करें कि हम आज़ाद हैं, ठीक है, अपनी गतिशीलता, ठीक है, और अपनी स्वाधीनता को व्यक्त करने के लिए कि हम स्वतंत्र हैं और हम गतिशील, मतलब हम लोग घर में बैठ के रहने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, हम लोग आलसी लोग नहीं, हम लोग गतिशील लोग, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो इसको कैसे व्यक्त करें, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या चुना, साइकिल को चुना कि हम लोग साइकिल चलाएंगे और समाज को बताएंगे कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग गतिशील हैं, हम लोग घर में बैठकर काम करने वाले लोग में से नहीं है, ठीक है, कि चार दीवारी के अंदर कैद हो गए, ठीक है, वहीं पैक हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम दूर दूर तक जाएंगे ये साइकिल के जरिए, मतलब वो अपना विरोध व्यक्त कर रही है ऐसे, ठीक है। एक शब्द आया यहाँ पर अभिव्यक्त, ठीक है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का मतलब क्या है, बताना या दर्शाना, जताना, अभिव्यक्त करना माने बताना, अपने मन की बात को कहना, ठीक है। उनमें से अधिकांश नौ साक्षर, ठीक है, अधिकांश भी शब्द है, ठीक है। तो ये सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने साइकिल को चुना है, उनमें से अधिकांश माने ज्यादा
ज्यादातर जो महिलाएं कैसी नव साक्षर है, मैंने नई पढ़ी लिखी है, ठीक है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहां ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 वर्ष की लड़कियों को अलग कर दें इससे, तो हम ये पाते हैं कि यहां लगभग एक चौथाई महिलाओं ने जो है साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। और इस एक चौथाई में से, मतलब पूरे जिले की बात कर रहे हैं, पूरे जिले की जो एक चौथाई महिलाएं हैं, अगर उनमें से हम 10% 10 साल के से कम उम्र की लड़कियों को हटा दें तो लगभग एक चौथाई महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, और उसकी प्रदर्शन उसका प्रदर्शन भी किया, ठीक है। और 70,000 महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, मतलब साइकिल चलाने का जो प्रदर्शन है और साइकिल चलाने की जो प्रतियोगिता है उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है, अपने इस कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया कि हाँ हमें साइकिल चलाना आता है, पहले केवल पुरुष साइकिल चलाते, ये बात काफी पुरानी है, ठीक है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि अभी भी उनके अंदर साइकिल चलाने की इच्छा बची हुई है, ठीक है, वो लगातार साइकिल चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां साइकिल चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी खुले हुए हैं, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर अक्सर आपने देखा होगा लोगों को बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, मतलब स्कूल खुले होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, ठीक है, लेकिन साइकिल चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर खोल रखा है, ये थोड़ी बात अजीब गरीब लगती है। जैसा उन्होंने कहा कि अजीब गरीब तरीके हैं, तो वाकई में एक तरीका अजीब गरीब है। आगे देखिए, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अभी कह रहे हैं जो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में, जो पुडुकोट्टई है जिला, उसका जो बहुत ही ग्रामीण इलाका है, ठीक है, वहाँ जो अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि है, रूढ़िवादी का मतलब होता है दकियन उसी, ठीक है, मतलब ऐसी मानसिकता जो अब समाज में ग्राह्य नहीं है, ठीक है, जिसको समाज ग्रहण नहीं करता है, उस तरह की मानसिकता से, ठीक है, उस तरह की मानसिक पृष्ठभूमि जो है वो कैसी पृष्ठभूमि है, वो दकियन उसी पृष्ठभूमि, रूढ़िवादी कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़कियों घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर युवा मुस्लिम लड़कियाँ हैं, आप तो समझते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं उनको बुरका पहनना पड़ता है, ठीक है, पूरे सर चेहरे को सारी को ढककर चलना पड़ता है, तो उन्होंने ये सबका विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, साइकिल चला करके, ठीक है, वहां से ये लड़कियां आई और ये आपको साइकिल चलाते हुए उस जिले में दिखती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसे साइकिल चलाना शुरू किया है मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितनी अच्छी बात कही जमीला बीबी नामक एक युवती है यहाँ पर, ठीक है। उनसे जब पत्रकार ने महोदय ने पूछा, ठीक है, पी साईनाथ जी ने उनसे पूछा कि बताइए आप साइकिल क्यों चलाते हो, तो साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, ठीक है, और क्या कहती हैं वो, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, आप साइकिल से हम कहीं भी जा सकते हैं, पहले हमें जाने पर क्या सोचना पड़ता था कि हम कहाँ जाएं नहीं जाएं, लेकिन अब साइकिल से हम कहीं भी जा सकते हैं, और अब हमें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई काम करना है नहीं करता, हम बस के इंतजार में बैठे हैं, हमारा पूरा समय व्यतीत हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, हम बस का इंतजार कर रहे हैं बस। और ग्रामीण क्षेत्र में आप समझते हैं कि बसें कितनी चलती हैं, ठीक है, शहरों जैसी हालत तो नहीं होती, एक आध बस चलती है वहाँ, तो उनको उनका समय काफ़ी बर्बाद होता था। मुझे अभी कह रहे कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझ पर फप्तियाँ कसते थे, फप्तियाँ एक साथ रहती थी, फप्तियाँ का मतलब क्या होता है, ताना, ठीक है, या उसको टांड भी बोलते हैं, टांड मारना, ठीक है, लोग फप्तियां कसते, लोग टांट मारते थे, लोग ताने मारते थे कि देखो बड़ी आई कहीं थी, बड़ी साइकिल चलाना सीख लिया इसने, आपको पता नहीं क्या समझती, ठीक है, ऐसे लोग टांट मारते थे, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझे कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो लोग अक्सर आपको टोकते हैं, रोकते हैं, ठीक है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको मना करते हैं, लेकिन आप रुकिए मत, आप झुकिए मत, आप बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, ये बात से हमें ये पता चलता है, ठीक है, सीखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। फातिमा नामक एक दूसरी महिला है जिससे उन्होंने बात की, ठीक है, और ये कहती हैं कि एक माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका है, ठीक है, बावजूद इसके ये क्या करती हैं, रोज किराए से साइकिल लेती हैं और आधा घंटा साइकिल चलाती हैं, ठीक है, बड़े चाव, इनको ऐसा चाव लगा है, चाव शब्द आया, देखिए चाव का मतलब क्या होता है, चाव का मतलब होता है चस्का, या इसको आप समझ सकते हैं जुनून, किसी चीज को काम करने का ऐसा नशा है उनको, ठीक है, कि उनको साइकिल चलाना ही, ठीक है,
उनको चस्का लग गया, उनको मतलब मजा आता है साइकिल चलाने में, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो उनको ऐसा चस्का लगा कि वो, उनके पास साइकिल तो नहीं है लेकिन वो किराया साइकिल लेती हैं और फिर कम से कम आधा घंटा जरूर चलाती हैं। देखिए, एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, हैसियत का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आर्थिक जो स्थिति है, ठीक है, वो ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, कि साइकिल चलाने से खास तरह की आज़ादी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को गुलाम महसूस कर, लेकिन अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं, आज़ाद, स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे जो है साइकिल चलाने से एक विशेष प्रकार की आज़ादी का अनुभव होता है और मैं साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवकों को साइकिल चलाना सिखाया, जैसे जमीला हो गई, ठीक है, और फातिमा हो गई जो इसको सिखाई थी, इनके एक और मित्र हैं, ठीक है, अवकन्नी, ये सब जो महिलाएं लगभग 20 वर्ष की हैं और इन्होंने साइकिल चलाना सीखा और ये दूसरों को भी साइकिल चलाना सिखा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इस आंदोलन में वो दूसरों को भी शामिल कर रही हैं। आगे देखिए, इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मल, अब बता रहे कि जो जिला है पुडुकोट्टई, यहाँ साइकिल की धूम मची हुई है, जिसको देखो वही केवल साइकिल की बात करता, अभी कौन लोग बात करने वाले। देखिए, महिला खेतीहर मजदूर, खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, पत्थर की खदानों में जो काम करने वाली औरतें हैं वो, और गांवों में काम करने वाली नर्सें, और जो काम गांव में काम करती हैं नर्सें, वो सब केवल साइकिल की ही बात करती हैं, क्योंकि नर्सों को आना जाना है तो साइकिल से कहीं भी आ जा सकती हैं, ठीक है, जल्दी पहुँच सकती हैं, ठीक है। खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं वो भी बात करती हैं, वो भी साइकिल चलाना सीखना चाहता है कि उनका काम आसानी से हो सके और वो जल्दी काम निपटा के फिर वहाँ से जल्दी घर भी आ सकें, ठीक है। और पत्थर की खदानों में काम करने वाली महिलाएं को काम पर जल्दी जा सकती हैं और अपना काम खत्म करके जल्दी घर भी आ सकती है, उनको बच्चों को भी देखना, घर का काम भी करना है, तो ये साइकिल उनके लिए क्या एक तरह वरदान है। आगे देखिए, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी, हम सभी जानते हैं आंगनवाड़ी के बारे में, तो यहाँ जो महिलाएं हैं, ठीक है, खूबसूरत पत्थरों को तराशने का जो काम करती हैं वो महिलाएं, और अध्यापिकाएं जो शिक्षिकाएं हैं वो भी जमकर साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, क्यों, साइकिल से उनका समय बचता है। और ये बात केवल आर्थिक नहीं है, साइकिल उन्होंने कहा ना पहले ही, फातिमा ने क्या कहा, जमीला ने क्या कहा कि साइकिल चलाने से उन्हें एक विशेष प्रकार की आज़ादी का अनुभव होता है, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, व्यक्तिगत आज़ादी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ग्राम सेविकाएं दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे, जो ग्राम सेविकाएं हैं और जो दोपहर का भोजन पहुंचाने के लिए जाती वो महिलाएं भी पीछे, वो भी साइकिल चलाती, मतलब साइकिल एक आंदोलन का रूप ले लिया है साइकिल ने, साइकिल चलाना, ठीक है, महिलाओं को अपने बात रखनी है, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना है, जो दकियानुसी विचारधारा है उस पर चोट करनी है, पिछड़ेपन को छोड़ना है, तो क्या करेंगी, साइकिल चलाएंगी, मतलब गांव की लगभग हर एक महिला, ठीक है, वो साइकिल चलाना पसंद करती है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, और सबसे बड़ी संख्या किसकी है, उन लोगों की जो नव साक्षर हुई, जो भी पढ़ लिख कर आई, ठीक है, क्योंकि वो जानती है अपने अधिकारों के बारे में, वो ज़्यादा पुरानी विचारधारा नहीं मानती, ठीक है, जो पुरानी महिला है वो जब ठीक है एक बार दायरे में बदल सोचती है कि क्या करें, ठीक है, घर वाले लोग मना करते हैं हमें नहीं जा सकते, लेकिन जो अभी पढ़ लिख कर आई हैं, ठीक है, वो इस बात से, इस बात की जरा ही परवाह नहीं करते हैं, कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, कौन ताने मार रहा है, बस वो साइकिल चलाना चाहती है। जिस किसी नौ साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया, कितनी अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि जब भी मैंने किसी ऐसी महिला से बात की, ठीक है, जो नौ साक्षर है और अभी अभी साइकिल चलाना उन्होंने सीखा है, जब मैंने उनसे बात की कि आप साइकिल क्यों चलाती हैं, तो उन्होंने सीधी सी बात की कि साइकिल, मतलब साइकिल चलाने अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में सीधा संबंध बताया कि साइकिल चलाकर मैं अपने आप आज़ाद महसूस करती हूँ, ठीक, देखिए कितनी अच्छी बात है, सिर्फ एक पार्ट कितना अच्छा है, शीर्षक कितना, जहाँ पहिया है वहाँ क्या है, वहाँ विकास है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वहाँ व्यक्तिगत सम्मान है, कितनी अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि साइकिल चलाना जो है वो केवल आर्थिक स्थिति की बात नहीं है कि हम जल्दी समय पर पहुंच जाएंगे, कहीं काम कर लेंगे, कोई काम करने के लिए महिला है, बल्कि एक व्यक्तिगत आज़ादी महसूस करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, न भाई पर, न पिता पर, कि अब हमें कहीं जाना है तो भाई लेकर जाए, पिता लेकर जाए, ऐसा नहीं है, हमें जहां मन पड़ता है हम साइकिल चलाना सीखती हैं और खुद साइकिल चल जाती है, बहुत ही अच्छा। तो अभी इस पाठ में बस इतना ही, इसके अगले वाला भाग हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।